आइए फ्रेंड्स समझते हैं गेट इनटू समवन वर्ड्स का मतलब होता है किसी के बातों में आना। इसी से संबंधित कुछ सेंटेंसेस देखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश में बोले। तुम उसके बातों में या पर मत आना या मत आओ। तुम उसके बातों में क्यों आते हो? उसकी बातों में मत आना। उसकी बातों में सोच समझ कर आना। राम के बातों में आना। तीन सारे सेंटेंसों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जरूरत पड़ेगा तो बोलना है। उसके बाद गेट इनटू समवन वर्ड्स लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो यूज करेंगे। समवन के जगह हो सकता है, जैसे ही है तो ही के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हीज। अगर माय आई है तो आई के लिए माय। अगर सी है तो सी के लिए हर। यानी सी है तो हर वर्ड्स हो जाएगा। ही है तो हीज वर्ड्स हो जाएगा। आई है तो माई वर्ड्स हो जाएगा। इस तरीके से तो ये सेंटेंस आइए बनाते हैं। तुम उसके बातों में या पर मत आना। तो देखिए यहाँ पे यूज मतलब स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो ये नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव जैसा व्यवहार होगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे डोंट गेट इन टू हिज वर्ड्स। डोंट गेट इन टू हिज वर्ड्स। आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो है ना तुम कहाँ चला गया। तो हिंदी में तुम आता है, लेकिन ये जो है अंग्रेजी में नहीं भी लिखेंगे तो ही मीनिंग आएगा, लिखोगे तो भी मीनिंग आएगा। इसलिए यहाँ पे तुम जो है उसका इंग्लिश छुपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम उसके बातों में क्यों आते हो। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले क्यों है तो उसको वाई लिखेंगे। तो वाई डू यू गेट इन टू हिज वर्ड्स, उसके बातों का हिज वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो वाई डू यू गेट इन टू हिज वर्ड्स, मतलब तुम उसके बातों में क्यों आते हो। नेक्स्ट है उसके बातों में मत आना। तो यहाँ पे है तो बोलेंगे, ये भी एक नेगेटिव है तो बोलेंगे डोंट गेट इन टू हर वर्ड्स। यहाँ लड़की है इसलिए उसकी बातों यानी हर वर्ड्स। उसके बातों में सोच समझ कर आना। तो यहाँ बोलेंगे गेट इन टू हर वर्ड्स थाउटफुली, सोच समझ कर बोलेंगे थाउटफुली। नेक्स्ट है राम के बातों में आना। तो बोलेंगे गेट इन टू राम्स वर्ड। राम के बातों मतलब राम्स वर्ड, ठीक है। गेट इन टू राम्स वर्ड। आपके लिए एक सेंटेंस यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसमें मैं आपके बातों में क्यों आऊँ, आप लोग के लिए सेंटेंस है। आप लोग बनाएंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट में मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ में। थैंक यू।